हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए रेसिपीज के वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम शाही पनीर करने वाले हैं। शाही पनीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ साइड की फेमस डिश है। ये थोड़ी सी बटर मसाला और कढ़ाई पनीर जैसी होती है, पर इसको बनाना बिल्कुल ही अलग और इजी होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होती है। एक रिच डिश है। इसको ज़्यादातर लोग शादी, पार्टी और फेस्टिवल में बड़े चाव से खाते हैं। आप इसको ब्रेड, नान, तंदूरी रोटी, राइस, जीरा राइस के साथ भी खा सकते हो। तो चलो आज हम शाही डिश यानी कि शाही पनीर बनाते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। हमने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है और उसको क्यूब साइज में कट किया है। यहाँ पे 10-12 काजू है, हम इसको बाद में सोक कर लेंगे। एक बड़ा प्याज को रफली कट किया है, 2 बड़े टमाटर को भी रफली कट किया है और यहाँ पे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर और गरम मसाला। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च और अदरक और लहसुन लिया है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पे काजू और थोड़े से किशमिश लिए हैं। इस डिश को थोड़ा सा रिच बनाने के लिए बटर यूज़ करेंगे और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, तेल, कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी और खड़े मसालों में हमने यहाँ पर जीरा, धनिया, तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और काली मिरी ली है। ये सारे मसाले हमें शाही पनीर के लिए चाहिए। हमने इस तरह का पनीर लिया है और क्यूब साइज में कट किया। हमें शाही पनीर के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट पनीर चाहिए, इसलिए हम पनीर में थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, उसको सोक कर लेंगे। आप फ्रेश पनीर यूज कर रहे होंगे तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा पनीर को सॉफ्ट करना है इसलिए हम पनीर में और थोड़े से काजू में थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक सोक कर लेंगे। इससे हमारा पनीर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में मज़ेदार लगेगा। शाही पनीर बनाने के लिए हम पहले मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम पैन में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे और थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, मिरी, लौंग, हरी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, ये खड़े मसालों को हम 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसको भी हमें सॉफ्ट करना है। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करके लेना है। इसको सॉफ्ट होने के लिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब प्याज अभी अच्छे से सॉफ्ट होकर रेडी है, तो इसमें हम रफली कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको भी हमें अच्छे से 4-5 मिनट तक फ्राई करके लेना है। हम इसको ढक के 4-5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होकर रेडी है, तो इसमें अब हम बाकी के मसाले हैं वो डालेंगे। हरी मिर्च है वो डालेंगे, रफली कटा हुआ अदरक, रफली कटे हुए लहसुन, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको भी अभी 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, तो फिर इसमें हमने सोक किए हुए काजू है वो उसमें डालेंगे।
इसके ऊपर भी ढक्कन रख के हम 4-5 मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इन सारे मसालों को अच्छे से उसमें मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसकी पेस्ट बनाने वाले हैं। अब मसाला ठंडा हुआ है और फिर मिक्सर जार में हम सारा मसाला लेंगे और अच्छे से पीस कर उसकी एक पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। पीसने के बाद हम यहाँ पर एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें हमने जो पीसा हुआ मसाला है उसकी पेस्ट इसमें डालेंगे और अच्छे से उसको छान लेंगे और जो भी मोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं उनको हमें हटाना है और हमें एक स्मूथली पेस्ट मिल जाएगी। क्रीमी मसाला हमें शाही पनीर के लिए चाहिए इसलिए हम ये कर रहे हैं। इस तरह से हमने स्ट्रेन कर लिया है और ये मोटे मोटे पीस रह जाते हैं उनको हमें हटाना है। इस तरह से हमने एक क्रीमी पेस्ट बना ली है। अब हम शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। हम सेम पैन में शाही पनीर बनाएंगे। 3 टेबलस्पून तेल लिया है और फिर इस तेल में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, इससे हमारी शाही पनीर रिच बनेगी। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी से भी शाही पनीर को अच्छी टेस्ट आती है। इस तरह से बटर थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर है वो डालेंगे और अच्छे से कश्मीरी मिर्च पाउडर को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हमने बनाया हुआ मसाला है वो डालेंगे। बनाया हुआ मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और थोड़ी सी टेस्ट आने के लिए थोड़ा सा शक्कर डालेंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शाही डिशेस जो होती है उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस होता है। मिक्स होने के बाद हम इसको कवर करेंगे, 2-3 मिनट तक अच्छे से मसालों को कुक करेंगे। अब मसाले में अच्छे से बबल आना शुरू हुआ है और कुक होके रेडी है। तो इसमें हम सोक किए हुए पनीर के क्यूब्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर पनीर सोक किया हुआ पानी है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कितनी गाढ़ी और पतली ग्रेवी चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर पानी का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको ढक्कन रख के हम इसको 4-5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। 5 मिनट बाद हमारी शाही पनीर अभी अच्छे से कुक होके रेडी है। अब हम थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पर घर की मलाई होती है, दूध के ऊपर आने वाली जो मलाई होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्रीम डालने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा कसूरी मेथी लेंगे और थोड़ा सा क्रश करके फिर उसको डालेंगे। इससे हमारे ग्रेवी में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 2 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और शाही पनीर को एक बाउल में निकालेंगे और ऊपर से कटे हुए थोड़े से काजू के पीसेस और थोड़े से किशमिश डालेंगे। इससे हमारी शाही पनीर और भी शाही हो जाएगी। और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। शाही पनीर को
रिचनेस देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे। इस तरह से हमारी शाही पनीर बनकर रेडी है। आप भी इसी तरीके से घर पर शाही पनीर बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। शाही पनीर कैसी बनी है आप मुझे बताइए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। हमारी शाही पनीर बनकर रेडी है और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रियली अप्रिशिएट योर टाइम।